हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी खूब ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज की चौथी क्लास है। इसमें हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो प्रीपोजिशंस, जिसको हम उर्दू में हरूफ़ जार के नाम से जानते हैं, इससे सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशंस इंग्लिश में कितने हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, फिर इनसे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, सबके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह प्रीपोजिशन टॉपिक से जो भी सवाल आता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको सही करके आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप अपना सिलेबस देखेंगे टीएस टेट का, चाहे आपका पेपर फर्स्ट है प्राइमरी लेवल या पेपर सेकंड यानी जूनियर लेवल, दोनों में प्रीपोजिशन आपके चैप्टर में दाखिल है। ठीक है, आपके सिलेबस में बाकायदा चैप्टर प्रीपोजिशन का है। चलिए आप देखेंगे दूसरे पेपर में भी प्रीपोजिशंस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, ऑफिशियली चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसका हिस्सा बन जाएं, ताकि वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ कोई मशवरा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपका कॉमन ग्रुप है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम लोग प्रीपोजिशन को देखेंगे। प्रीपोजिशन जिसको हम हर्फ जार कहते हैं। अब सबसे पहले प्रीपोजिशन की तारीफ़ यानी डिफिनेशन को देखेंगे। प्रीपोजिशन, इट कम्स बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन, ए या तो नाउन या तो प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, विथ अ इंडिकेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। प्रीपोजिशन जो है कभी कभी वक्त का पता बताता है, कभी कभी जगह का पता बताता है। ठीक है, डिफिनेशन आपने देख ली। अब कुछ प्रीपोजिशन से मुतालिक जो की पॉइंट्स हैं, अहम निकात हैं, उनको हम देखेंगे। अ प्रीपोजिशन इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, ये तो हमने पहले भी देख लिया कि प्रीपोजिशन हमें, देखिए प्री आप देखेंगे ना, प्री लिखा है, प्री उसके बाद पोजिशन। इसका अगर हम इसको तोड़ करके अगर हम देखेंगे तो प्री माने क्या होता, पहले आना। तो ये नाउन प्रोनाउन के अक्सर जो है पहले आता है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें बाद में भी आता है, उसको पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मिसाल लेते हैं, मेनी पीपल डाई ऑफ कोलेरा एवरी ईयर। कहा जा रहा है कि हर साल बहुत सारे लोग कोलेरा, जो कि एक बीमारी है, उसकी वजह से मर जाते हैं। ठीक है, डाई ऑफ कोलेरा, तो इट ऑफ क्या है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, और कोलेरा क्या है, आपका नाउन है, तो नाउन से पहले आया ना। ठीक है, आगे चलिए कुछ इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। अ प्रीपोजिशन कैन बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कभी कभी प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस के शुरू में यानी शुरुआत में भी आता है। जैसे मिसाल देखते हैं, टू होम डिड यू गिव हिज पेन, यानी किसको तुमने अपनी पेन दिया। तो यहाँ टू क्या है, टू आपका प्रीपोजिशन है लेकिन एकदम स्टार्टिंग में आया, इस तरह की भी सूरत इसकी बनती है। आगे देखिए, इन विच शॉप डिड यू बाय दिस ड्रेस, यानी किस दुकान में, ठीक है, तुमने अपने ड्रेस को खरीदा। ठीक है, यानी किस दुकान से तुमने अपने ड्रेस को खरीदा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, इन विच क्लास डू यू
स्टडी, यानी कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो इन क्या है पहले आया, इस तरह के भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे चलिए कुछ पॉइंट। समटाइम्स द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड, ठीक है, लास्ट, ठीक है, कहाँ आता है, लास्ट यानी आखिर में आता है, उसकी जगह कहाँ बन जाती है, आखिर में। फॉर द सेक ऑफ एम्फिसिस, यानी जोर देने के लिए, अहमियत पैदा करने के लिए कभी कभी प्रीपोजिशन को आखिर में लाते हैं। मिसाल देखिए, आवर प्राइम मिनिस्टर इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर, ऑल द वर्ल्ड ओवर यानी पूरे जहान में हमारे वजीर आजम क्या हैं, जाने जाते हैं यानी फेमस हैं। ठीक है, तो ओवर असल में क्या होना चाहिए था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन ओवर को बाद में ले आए, किस लिए, जोर देने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच ऑलवेज टेक द इनडेफिनिट आफ्टर देम, ठीक है, टेक द इन्फिनेटिव, इनडेफिनिट ने इन्फिनेटिव। आपने दो चीज़ पढ़ा होगा ग्रामर पे, एक होता है जीरेंड, एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब यह है कि वर्ब से पहले जो टू लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। जीरेंड क्या है, आईएनजी के साथ। ठीक है, कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जो कि हमेशा अपने बाद इन्फिनेटिव को कबूल करते हैं। इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लाते हैं। जैसे दे रिफ्यूज्ड टू रिफ्यूज हिज अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट लगाई थी, जो दरख्वास्त दी थी, ठीक है, उसको कबूल करने से, मानने से उन्होंने, ही दे रिफ्यूज टू रिफ्यूज हिज अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो क्या है, रिफ्यूज्ड है, रिफ्यूज के बाद फिर क्या है, इन्फिनेटिव ले आए। तो ऐसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं उसके बाद इन्फिनेटिव ला करके क्या बनाया जाता है उसको, उस इन्फिनेटिव लाया जाता है, उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दे रिफ्यूज्ड टू रिफ्यूज हिज अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में से एक है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कुछ ऐसे हरूफ जार हैं जो कि टाइम यानी वक्त के बारे में बताते हैं। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन विच विथ द इंडिकेशन ऑफ टाइम, यानी ए टाइम यानी समय के, वक्त के इशारे के साथ उस चीज़ को बयान करते हैं। किससे पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले। मिसाल देखते हैं, He has been stayed, वो ठहरा हुआ था, here मतलब यहाँ, for many years यानी कई सालों से। ठीक है, He has been stayed here for many years यानी वो कई सालों से यहाँ ठहरा हुआ है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। ठीक है, तो फॉर क्या हुआ, एक टाइम बताने के लिए आया है। ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स। आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो जगह के बारे में बताते हैं। जैसे इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन विद द इंडिकेशन ऑफ प्लेस। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और किस चीज़ की तरफ इशारा करेंगे, जगह की जानिब। जैसे दे रैन अक्रॉस द रोड, यानी वे दौड़े कहाँ, रोड के किनारे किनारे जब आप दौड़ते जाएंगे और रोड को क्रॉस कर जाएंगे, पूरा पार कर जाएंगे, तो क्रॉस आया है। क्रॉस क्या, किस चीज़ के लिए, यानी प्लेस के लिए आया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ माइनर, यानी कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो यानी माइनर बनाते बताते हैं, क्या बताते हैं, सुलूक बताते हैं, यानी एक अंदाज बताते हैं। जैसे कहा जा रहा है, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन विद द इंडिकेशन ऑफ माइनर। माइनर जैसे ही फॉट
विथ करेज। फाइट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फाट आता है, ही फाट विथ करेज, यानी वो हिम्मत के साथ लड़ा, यानी उसने लड़ाई किसके साथ की, यानी हिम्मत के साथ। तो विथ करेज यानी एक करेज क्या, एक मैनर बताया, यानी लड़ने का एक तरीका बताया, तो मैनर के लिए भी आता है। तो विथ क्या है, ये मैनर की तरफ इंडिकेट कर रहा। प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न, कभी प्रीपोजिशन वजह बताने के लिए आता है, जैसे इट इज़ प्लेस बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन विथ अ इंडिकेशन ऑफ प्लेस, जैसे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी उसे बुखार है, ठीक है, यानी उसे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है, यानी उसे बुखार है। तो सफरिंग वर्ब है, उसके बाद जो है फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, फीवर क्या है, ये आपका नाउन है, ठीक है, इस तरह से भी आता है। और देखते हैं क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, यानी किसी मकसद के लिए भी प्रीपोजिशन, यानी मकसद की जानिब इशारा करता है। जैसे आप ये बताया जा रहा है, इट इज़ प्लेस बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन विथ अ इंडिकेशन ऑफ पर्पस, जैसे ही सेक्रीफाइड एवरी थिंग्स फॉर हिज चिल्ड्रेन, यानी उसने अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें कुर्बान कर दी, ठीक है। तो फॉर किस चीज़ की जानिब इशारा कर रहा है, फॉर क्या है, एक पर्पस बता रहा है, ठीक है। ही सेक्रीफाइड एवरी थिंग्स फॉर हिज चिल्ड्रेन, उसने अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ कुर्बान कर दी। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन क्या है, कभी कभी क्या है, प्रीपोजिशन क्या बताता है, किसी चीज़ की पोजीशन यानी हालत बताता है। जैसे इट इज़ प्लेस बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन विथ द इंडिकेशन ऑफ पोजीशन, जैसे दिस इज़ अ ब्रूटलिटी ऑफ मोहन, यह क्या है, मोहन की बेरहमी है, ठीक है। ब्रूटलिटी यानी बेरहमी, तो ऑफ क्या है, किसी चीज़ की पोजीशन बता रहा है, यानी किसी चीज़ की निस्बत बता रहा है। आपने उर्दू में पढ़ा होगा, यानी मुजाफ मुजाफिले, तो यही चीज़ है, यानी मोहन की ब्रूटिलिटी यानी बेरहमी को बताता है, ये चीज़ मोहन की बेरहमी को बताता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन कभी कभी आता है कंट्रास्ट के लिए, कंट्रास्ट मतलब एक एक जुमला दूसरे जुमले के अपोजिट होता है, जैसे इट प्लेस बिफोर अ नाउन प्रोनाउन विद द इंडिकेशन ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का देखते हैं, फॉर ऑल हिज फॉर्चून, ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी फॉर ऑल हिज फॉर्चून, ठीक है, यानी उसका फॉर ऑल हिज फॉर्चून का मतलब होता है उसके साथ सारी चीज़ें अच्छी होने की वजह से भी ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो कंट्रास्ट हुआ ना, तो ये फॉर क्या हुआ, दोनों कंट्रास्ट बताने के लिए, फॉर ऑल हिज फॉर्चून ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। अब क्या है, कंसेशन बताने के लिए भी कभी कभी आता है, ठीक है, जैसे मिसाल लेते हैं, विथ ऑल हिज फॉल्ट्स, यानी अपनी सारी गलतियों के साथ, ठीक है, विथ ऑल हिज फॉल्ट यानी उसकी सारी गलतियों के साथ, शी अडोर्स हिम यानी वो बिल्कुल उस पर क्या है, फिदा है, ठीक है, यानी जैसे कह सकते हैं कि दो लोग हैं, एक आशिक माशूक कह सकते हैं, ठीक है। अब उसकी गलती, हिस का मतलब होता है कोई मेल है, उसकी सारी गलतियों के बावजूद शी यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उस पर फिदा है, शी अडोर्स हिस, ठीक है, तो कंसेशन बता रहा है ये चीज़। आगे चलिए, कभी कभी आता है प्रीपोजिशन ऑफ रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग क्या है, जैसे फॉर व्हाट ही न्यू ऑफ देम, ठीक है, फ्रॉम व्हाट ही न्यू ऑफ देम,
फ्रॉम वाट ही न्यू ऑफ देम, यानी अगरचे ये सच है, ठीक है, ही न्यू ऑफ देम, उसने उनको जाना यानी उनको जानता है, ही अवॉइड्स देम, फिर भी क्या है वो उनसे बचता है, अवॉइड करता है, ठीक है। तो फ्रॉम वाट ही न्यू ऑफ देम, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, ही अवॉइड्स देम, वह उनसे बचता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग बताने के लिए आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की कुछ किस्में हैं, जैसे एक सिंपल होते हैं, जैसे इन है, ऑन है, एट है, फ्रॉम है, टू है, अप है, फॉर है, विथ है, टिल है, आउट है, थ्रू है, एट्सेट्रा, इस तरह के। ये क्या हैं, ये सिंपल हैं क्योंकि एक हैं। कंपाउंड भी होते हैं, कंपाउंड जिसमें दो सिलेबल होता है, जैसे बिटवीन है, बिट प्लस वीन, बिसाइड है, बिलो है, बिफोर है, एबव है, एमोंग है, अराउंड है, विदाउट है। कुछ फ्रेजल भी होते हैं प्रीपोजिशन, जैसे बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, इन केस ऑफ, ये क्या हैं, ये फ्रेज के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो तीन तरह के हो गए। अब हम कुछ बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रीपोजिशन को लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एट। एट प्रीपोजिशन अक्सर जो है छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल एरिया के लिए एट का इस्तेमाल होगा। एग्जांपल के तौर पर लोकेलिटी के लिए, जैसे आई स्टे, ठीक है, मैं ठहरता हूँ एट बंजारा हिल्स। बंजारा हिल्स आपको पता है, यहाँ आप देखेंगे हैदराबाद में एक छोटा सा इलाका है। तो जैसे कहा, जैसे कह सकते हैं आई लिव एट बंजारा हिल इन हैदराबाद, ठीक है। तो छोटी जगह क्या है, बंजारा हिल एट आया, इन हैदराबाद कह देंगे, तो इन क्या है, ये बड़ी जगहों के लिए आता है, अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कहते हैं इट आल्सो इंडिकेट पार्टिकुलर प्लेस, प्लेस ऑफ वर्क, जैसे एट जो है कभी कभी एक ख़ास जगह की जानिब भी इशारा करता है, जैसे ही डिस्कस्ड द सब्जेक्ट, उसने मैटर के बारे में, मामले के बारे में डिस्कस किया एट द मीटिंग, यानी मीटिंग में, ठीक है। मीटिंग क्या है, छोटी जगहों में होगी ना, उसके लिए भी एट का यूज़ करते हैं। जैसे ही वर्क्स एट प्रेस, वह काम करता है कहाँ, प्रेस में। अब प्रेस जहाँ चीज़ें छपती हैं वो छोटी जगह है, तो इसलिए क्या आएगा, एट आएगा। समझ में आ गया, आगे चलिए। अब हम देखेंगे दूसरा इन। इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, लार्ज एरिया, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, प्लेसेस ऑफ वर्क एंड फॉर रेजिडेंस वेयर नो स्पेसिफिक प्लेस इज मेंशन्ड, वहाँ क्या यूज़ करते हैं इनका। जैसे मिस्टर अहमद वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनी कोई ख़ास नहीं है, तो इसलिए इनका यूज़ कर दिया। इन आल्सो इंडिकेट्स इनसाइड, ये कभी कभी इनसाइड यानी कोई चीज़ अंदर रखी हुई है, इस उसकी जानिब भी इशारा करता है। जैसे द ज्वेलरी इज इन द बॉक्स, ज्वेलरी यानी जो जेवर हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, बॉक्स में रखे हुए हैं। द बुक्स आर इन हिज बैग, किताबें क्या हैं, उसके बैग में हैं। तो कोई चीज़ अगर इनसाइड है उसके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं, और बड़ी जगहों के लिए भी इन, जैसे इन इंडिया, ठीक है, इन हैदराबाद, इन दिल्ली, इस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ भी इनका यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे ऑन। ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ऑन टू इंडिकेट पोजिशन इन रिलेशन टू एन अदर ऑब्जेक्ट, यानी दूसरी चीज़ों से के मुकाबले में एक कोई पोजीशन को बताने के लिए आता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द बेंच, किताब क्या है, बेंच पे रखी हुई है, पहले से रखी हुई, तो क्या कहेंगे, द बुक इज़ ऑन द बेंच। द
नेम प्लेट इज़ ऑन द डोर। अब किसी डोर पे किसी का नाम लिखा हुआ है, घर का नंबर लिखा हुआ है, तो ऑन द डोर आएगा। ठीक है, ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन आल्सो इंडिकेट स्पेसिफिक डेज, कोई ख़ास दिन है वहाँ भी ऑन का यूज़ करता है। और कहाँ यूज़ करते हैं ऑन का यूज़, डेट, कोई तारीख आ रही है वहाँ भी, और स्पेसिफिक डेज, जैसे एक स्पेसिफिक और स्पेशल दोनों डेज के लिए, यानी डेज के लिए और डेट के लिए। एक ट्रिक याद रखिए, डे डेट, डे और डेट, डीडी दोनों हैं, दोनों के लिए क्या यूज़ होता है, ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई विल विजिट द कॉलेज ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे क्या है, एक ख़ास दिन है ना, उससे पहले क्या ऑन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई विल विजिट द कॉलेज, यानी मैं कॉलेज का दीदार करूँगा, कॉलेज को देखूँगा, कब, फ्राइडे को। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, यानी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कब, ऑन 15th अगस्त। तो 15 अगस्त क्या है, एक स्पेशल डे है ना, 15 अगस्त को आज़ादी हुई। और अक्सर आप देखेंगे, कोई अगर आपका मंथ आता है, वैसे कहेंगे इन अगस्त, लेकिन अगर उससे पहले दिन आ गया, यानी 10 अगस्त, तो ऑन द 10th अगस्त, इस तरह से यूज़ करते हैं, ऑन ले आते हैं इनकी जगह। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। अब है अमोंग। अमोंग रिफर्स टू प्लेस थिंग्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट देम एज अ ग्रुप। एक होता है अमोंग, अमोंग यानी जब किसी के बारे में बात करते हैं पूरा ग्रुप, यानी तीन से ज़्यादा, तीन तक हैं, तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, अमोंग का यूज़ करते हैं। जैसे मिस्टर अहसन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमोंग हिज सन्स, यानी मिस्टर अहसन ने अपनी प्रॉपर्टी को बांट दिया अपने बेटों में। अब बेटे दो से ज़्यादा हैं, तो इसलिए अमोंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बिटवीन का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ दो चीज़ पाई जाती है। ठीक है, ये दो के लिए यूज़ होता है। जैसे देयर आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राज एंड शेखर, राज एंड शेखर के बीच म्यूचुअल यानी आपसी समझ बूझ है, दो लोग हैं, तो इसलिए बिटवीन का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। अब आगे है बिलो, इज़ यूज फॉर लोअर देन, यानी कोई चीज़ कम है उसके लिए बिलो का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कैंडिडेट्स बिलो ऑफ 18 ईयर्स आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यानी कोई अगर 18 साल से कम है तो उसे वोट देने का हक नहीं है। और कोई चीज़ एग्जैक्ट किसी के नीचे है, बिलो, एग्जैक्ट नीचे नहीं है, नीचे है लेकिन थोड़ा सा हट करके, वहाँ भी बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर एकदम बिल्कुल नीचे है तो वहाँ अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, अब टेबल के नीचे अगर बिल्ली बैठी है तो वहाँ अंडर यूज़ कर देते हैं। बिलो यानी नीचे है लेकिन थोड़ा हट के है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिलो। अब है एबव, एबव यूज़ फॉर द हायर देन, एबव का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ ऊपर है उसको हम एबव कह देंगे। ठीक है, द जैसे टेबल है, टेबल के एग्जैक्ट ऊपर बल्ब नहीं है लेकिन थोड़ा सा साइड में है लेकिन ऊपर है, तो क्या कहेंगे, द बल्ब इज़ एबव द टेबल। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट होता है यानी उसको बिल्कुल कवर किए होता, उसके लिए ओवर का यूज़ करते हैं। इस डिफरेंस को थोड़ा सा आप जहन में रखिएगा। ठीक है, एबव क्या है, एबव इज़ यूज फॉर द हायर देन, जैसे द बैंक इज़ एबव द शोरूम, द बैंक इज़ एबव द शोरूम, यानी बैंक क्या है, शोरूम के ऊपर है। अब जैसे नीचे जो है शोरूम बड़ा सा है, पूरा ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम है, उसके ऊपर बैंक, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत सारी बिल्डिंग हैं, उसमें से कोने में कहीं एक बैंक की भी बिल्डिंग है, क्योंकि अब पूरा ढापे हुए नहीं है ना, तो उसके लिए एबव का यूज़ करेंगे। अगर एग्जैक्ट उसी के ऊपर ही, जैसे नीचे शोरूम है, जितनी जगह में शोरूम है उतनी जगह में ऊपर बैंक आ गया,
तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं, वहाँ ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है, इस डिफरेंस को याद रखिएगा। एबव मतलब बस ऊपर है उससे, बिलो का मतलब बस नीचे है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नीचे है तो अंडर यूज़ होगा, और अगर एग्जैक्ट ऊपर है तो ओवर यूज़ होगा। चलिए आगे हम मिसाल देखते हैं। जैसे अंडर है, अंडर इज़ यूज फॉर वर्टिकली बिलो, वर्टिकली यानी सीधे सीधे अगर कोई नीचे है तो उसके लिए अंडर यूज़ करते हैं। जैसे वीमेन यूजअली कीप द कीस, यानी औरतें आमतौर पर चाबियां रखती हैं कहाँ, अंडर देयर मैट्रेस, यानी मैट्रेस के नीचे छिपा कर रखती हैं। तो एग्जैक्ट उसके नीचे आएगा, वर्टिकली अगर आता है तो क्या यूज़ करेंगे, अंडर। जैसे हम कहा, मैंने कहा यूज़ किया था द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। ओवर क्या है, अगर पूरा ढांपे हुए है उसके लिए ओवर यूज़ करते हैं। वर्टिकली अगर एबव है यानी सीधे सीधे ऊपर है तो उसके लिए ओवर। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द वॉल, यानी जहाज़ उड़ा दीवार के ऊपर, अब पूरे दीवार को ढांप करके उड़ रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक मरतबा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको इस चैनल के ज़रिए पूरा कराया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट डिनोट अपोजिशन ऑफ सम काइंड्स ऑफ प्रेशर, यानी ये क्या है, किसी चीज़ का अपोजिट बताता है। जैसे ही लर्नड, ही लीन्ड, क्या है लीन्ड, अगेंस्ट द वॉल, वह दीवाल के अगेंस्ट, यानी दीवाल के अपोजिट क्या है, झुका हुआ है। अबाउट, अबाउट का यूज़ करते हैं इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, आइडियाज़ टॉपिक, कभी गुफ्तगू के दौरान, कभी आइडियाज़ के दौरान, कभी टॉपिक कोई है उसके लिए हम अबाउट का यूज़ अलग अलग जगहों पे करते हैं। मिसाल लीजिए, टेल मी अबाउट योर जॉब, मुझे बताइए अपने जॉब के बारे में। अबाउट मतलब कभी यूज़ किसके लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। टेल मी अबाउट योर जॉब, मुझे बताइए अपनी जॉब के बारे में। तो अगेंस्ट समझ में आ गया और अबाउट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कहीं कहीं यूज़ होता है बाय, बी वाई बाई। जैसे वी यूज़ बाय प्लस नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कभी कभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाय उसके बाद ट्रांसपोर्ट का नाम यूज़ करते हैं। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, उसने सफ़र किया किससे, ट्रेन के ज़रिए। ही ट्रेवल्ड बाय बस, उसने सफ़र किया किससे, बस के ज़रिए, ठीक है। ही ट्रेवल्ड बाय प्लेन, यानी प्लेन के ज़रिए। तो कोई भी चीज़ है अगर वो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया बनता है तो बाय के बाद उसको यूज़ करते हैं। और एक चीज़ याद, ये भी याद रखिएगा कि उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का साधन यानी ट्रांसपोर्ट का जो ज़रिया आता है उससे पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब फॉर, इट इंडिकेट्स अ जनरल पीरियड ऑफ टाइम। दो चीज़ होता है, एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी चीज़ की शुरुआत के बारे में अगर बात करेंगे तो सिंस का यूज़ करते हैं, और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, बस जनरल पीरियड ऑफ टाइम का अगर सेंस निकलेगा तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वीक, वो दिल्ली जा रहा है किस, एक हफ्ते में, ठीक है, जनरल पीरियड है। अगर एक स्पेसिफिक पीरियड होता तो सिंस का यूज़ करते, अभी हम उसकी मिसाल देखेंगे। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड माने क्या होता है, बिसाइड मतलब होता है किसी चीज़ के बगल में, किसी चीज़ के पास। बिसाइड्स कहते हैं किसी चीज़ के अलावा, इस फर्क को याद रखिएगा। यहाँ बिसाइड हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, बाय द साइड ऑफ, यानी किसी के पास में। जैसे हिज हाउस इज़ बिसाइड द यमुना, यानी यमुना के किनारे, यमुना के बगल में क्या है, उसका घर है। अब अमोंग इज अलोंग, एक लफ्ज़ आता है अलोंग, इन द डायरेक्शन, अलोंग क्या है, डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे दे वॉकड अलॉन्ग द रिवर साइड, यानी रिवर साइड के जानिब अलॉन्ग उन्होंने क्या किया, रिवर साइड के जानिब उन्होंने वॉक किया, यानी चहल कदमी की,
ठीक है। अब इतने सारे जो मेन मेन यूज थे प्रीपोजिशन के, उसको हमने देख लिया, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। एक मरतबा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो समझ में आ रही है नहीं, और अच्छी लग रही तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां हम प्रीपोजिशन को ड्रॉप कर देते हैं। क्या क्या है? जैसे व्हेन अ नाउन डैट हैज़ अ टाइम रेफरेंस इज प्रेसीडेड बाई एन एडजेक्टिव, नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। कहा जा रहा है कि कोई टाइम है, क्या है टाइम के बारे में, और टाइम से पहले कोई एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, अब उससे पहले हम प्रीपोजिशन ड्रॉप कर देंगे। जैसे मिसाल लीजिए, जैसे शी मेट हिम, यानी उसने उससे मुलाकात की लास्ट संडे, यानी पिछले संडे। अब लास्ट क्या है, संडे क्या है, आपका नाउन है, लास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अब लास्ट संडे आ गया तो इसलिए ऑन को ड्रॉप, हालांकि डे से पहले ऑन आता है, आपने ऑन संडे ऑन मंडे, लेकिन उससे पहले लास्ट आ गया या नेक्स्ट आ गया, इस तरह का आ गया, तो हम प्रीपोजिशन को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो शी मेट हिम ऑन लास्ट संडे, तो ऑन यहाँ क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। और देखते हैं, इन द अबव एग्जांपल नाउन, वही चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है, उसकी तशरीह की जा रही है कि संडे है, संडे क्या है, नाउन है, उससे पहले लास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अब दोनों जब आ गया तो उससे पहले प्रीपोजिशन को हम ड्रॉप कर देंगे। चलिए और देखते हैं, नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है वर्ब ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं फेले मुतअद्दी, यानी जो फाइल के अलावा मफूल भी चाहे, यानी जो सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट भी चाहता है, जो भी वर्ब, उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें जो है कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम, आस्क्ड क्या है, उन्होंने पूछा, तो किससे पूछा, तो आस्क्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि एक मफ़ूल चाहता है, यानी ऑब्जेक्ट चाहता है। तो हिम, उनसे पूछा, तो टू यूज़ नहीं होगा, बल्कि क्या हो, किस तरह कहेंगे, शी आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, उसने उससे एक सवाल पूछा। अब देखिए, द प्यूपिल रिफ्यूज टू आंसर द स्ट्रेंजर। कभी कभी कुछ ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन आती है, कुछ ऐसे वर्ब आते हैं, उनके बाद हम प्रीपोजिशन ला करके बाद वाले वर्ब को हम इन्फिनेटिव बनाते हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया। जैसे द प्यूपिल, यानी शागिर्द, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया टू आंसर द स्ट्रेंजर, यानी एक कोई अजनबी आदमी था, उसके जवाब देने से इनकार कर दिया, ठीक है, टू का यूज़ करेंगे। द पीपल रिफ्यूज्ड आंसर टू द स्ट्रेंजर, ये गलत हो जाएगा, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, ठीक है। वैसे ट्रांजिटिव में अक्सर क्या करते हैं, टू को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे है बिलो, बिलो इज़ यूज फॉर, ये तो हो चुका है, ठीक है, आगे चलिए, अबाउट ये भी हो चुका है, बाय भी हो चुका है, बिसाइड भी हो चुका है, चलिए ये सब स्लाइड रिपीट हो गई है, आगे चलते हैं। आगे है प्रीपोजिशन का यूज, कभी यूज़ किस तरह होता है, कभी कभी ईडियम के तौर पे होता है। किस तरह से, ईडियम, ईडियम आप जानते हैं, जो थोड़ा फ्रेश टाइप होता है। अब मिसाल लेते हैं, द मैनेजर अप्रूव्ड ऑफ द एक्शन, मैनेजर ने अप्रूव्ड ऑफ द एक्शन, मैनेजर ने कार्रवाई को, यानी अमली जामा पहनाने को मंजूरी दे दी, तो अप्रूव्ड के बाद ऑफ यूज़ करते हैं। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ईडियम के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे शी अराइव्ड एट, अब अराइव्ड के बाद एट यूज़ होता है, ठीक है, और रीच्ड के
बाद डायरेक्ट यूज़ होता है। शी अराइव्ड एट स्कूल अबाउट 10 मिनट्स टू 9, यानी 9 बजने में 10 मिनट पहले ही वह स्कूल पहुंच गई। यहाँ कहा जा रहा है व्हेन अराइव इज फॉलोड बाई एन एडवर्ब ऑफ प्लेस सच एज हेयर देयर सम समवेयर एनी वेयर। अगर एट के बाद हेयर आ जाए, देयर आ जाए, समवेयर आ जाए, एनी वेयर आ जाए, ये सब चीज़ें आ जाएँ तो हम क्या करते हैं, एट का यूज़ ही नहीं करते। जैसे कहा ये जा रहा है, जैसे कहा शी अराइव्ड हेयर, तो एट हेयर नहीं कहेंगे। अराइव्ड के बाद अगर हेयर यूज़ हो जाए, देयर यूज़ हो जाए, समवेयर एनीवेयर कोई भी यूज़ हो जाए अराइव के बाद, तो हम क्या यूज़ नहीं करते, एट यूज़ नहीं करते। लेकिन अराइव के बाद अगर कोई जगह आ जाए तो हम एट का यूज़ करते हैं। इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है। क्या है, प्रीपोजिशन इज़ वर्ड यूज टू शो रिलेशन। कभी कभी प्रीपोजिशन क्या है, रिलेशन यानी ताल्लुक बताने के लिए आता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड, एक है फ्रेजल प्रीपोजिशन, जैसा कि इसके बारे में आपने शुरू में देख भी रखा है। अब आगे है प्रीपोजिशन आप प्लेस क्या है, एट है, इन है, ऑन है। प्रीपोजिशन आप टाइम ए भी है, ऑन है, इन है, एट है, आपने दोनों की मिसाल पीछे देख रखी है। कैन बी यूज टू इंडिकेट बोथ प्लेस एंड टाइम, यानी एट, इन, ऑन प्लेस के लिए भी आते हैं और टाइम बताने के लिए आते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सिंस क्या है। अगर कोई चीज़ यानी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में अगर बताना हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। किसका, सिंस का यूज़। जैसे मिसाल लीजिए, सिंस मंडे, मंडे क्या है, एक मुतय्यन टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 1968, तो सिंस क्या है, एक मुतय्यन टाइम है, सिंस 2:30 एक मुतय्यन टाइम है, तो यहाँ क्या हम यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये दोनों प्लेस के लिए, जैसे आप देखेंगे ऑन कभी डे और डेट के लिए यूज़ होता है, इन किसके लिए यूज़ होता था, इन आप देखे हैं जैसे डायरेक्ट कोई मंथ है, जैसे इन मे, इन अप्रैल, इस तरह यूज़ होता है। उससे पहले डेट आ जाती है तो क्या, आन यूज़ हो जाता है। और उसी के साथ एट भी यूज़ होता है, जैसे एट मिड नाइट, एट नाइट यूज़ होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इन किस तरह, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो एट का जगह छोटे, एट यूज़ करते हैं छोटे प्लेस के लिए, इन यूज़ करते हैं बड़ी जगह के लिए, आन यूज़ करते हैं कहाँ, कोई चीज़ कहीं स्थिर है यानी रखी हुई है वहाँ यूज़ करते हैं। समझ में आ गया सारी चीज़ें। चलिए अभी हम इस पर जब क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वी हैव लिव्ड इन हैदराबाद सिंस 1990, यानी हम हैदराबाद 1990 से रह रहे हैं। वी हैव लिव्ड, वैसे होना चाहिए We have been living, यानी हम मुस्तकिल रह रहे हैं, ठीक है, इन हैदराबाद सिंस 1990, यानी हैव के बाद बीन और लिविंग, सही जुमला ये बनेगा, इन हैदराबाद सिंस 1990, ठीक है। वी यूज़ फॉर, अब फॉर क्या यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई टाइम बताने के लिए, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम ना हो। जैसे राज had been waited for his friend, यानी उसने अपने दोस्त का इंतज़ार किया for half an hour, ठीक है, डेढ़ घंटा, but he did not come, लेकिन वो नहीं आया। समझ में आ गया। चलिए और पॉइंट कुछ, for किसके लिए, जैसे for 3 days,
फॉर 3 डेज क्या है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ना ही ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम के लिए फॉर यूज़ करते हैं। फॉर अ फ्यू वीक्स, एक चीज़ याद रखिएगा, सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है, अगर कोई चीज़ मुतय्यन हो और स्टार्टिंग बताए, जैसे कहा जा रहा सिंस 1990, सिंस 2:30 यानी 2:30 पर, तो क्या है एक मुतय्यन टाइम किसी चीज़ का स्टार्टिंग बता रहा, तो वहाँ क्या यूज़ होगा, सिंस। और जो सिर्फ टाइम बताए, पीरियड सिर्फ बताए लेकिन मुतय्यन ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट उसमें ना हो, वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, मॉक टेस्ट के तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, जिस तरह से आपके इम्तिहान में आते हैं, इसमें जो कुछ हमने रूल पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। आई फेल असलीप, मैं सो गया, यहाँ क्या आएगा, द फिल्म, तो डैश द फिल्म, देखिए आगे मैंने लिख भी दिया है, क्या आएगा, ड्यूरिंग द फिल्म, यानी फिल्म के दौरान, यानी फिल्म देखते देखते मैं सो गया। अब यहाँ दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन प्रीपोजिशन, यहाँ इन है, ऑन है, एट है, फ्रॉम है, टू है, ड्यूरिंग है, इस तरह से दिया जाएगा 4-5, कि उसमें से कोई एक एक करके चुनना होगा। अगर इससे पहले जो मैंने सारा कायदा बताया है कि सिंस में क्या फ़र्क है, फॉर में क्या फ़र्क है, इन कहाँ आएगा, ऑन कहाँ आएगा, ठीक है, एट कहाँ आएगा, तो ये सब अगर आप याद रखेंगे तो फटाफट सही कर देंगे। आई थ्रू द स्टोन, यानी मैंने पत्थर को फेंका, इन टू द सी। अब देखिए आपके जहन में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होती होगी कि कहीं कहीं हम यूज़ करते हैं इन, कहीं कहीं इन टू। एक चीज़ जहन में रखिएगा, अगर कोई चीज़ पहले से कहीं है, जैसे कोई चीज़ कहीं कमरे में रखी हुई है, जैसे कहा द बुक इज़ इन द रूम, किताब क्या है, कमरे में है, तो यहाँ इनका यूज़ हुआ। अगर कहीं मोशन पाया जाए, यानी हरकत पाई गई, तो वहाँ इनटू का यूज़ कर देते हैं, इनटू, जहाँ भी हरकत पाई गई तो इन के साथ टू जोड़ देते हैं, जैसे आई थ्रू द स्टोन इन टू द सी, यानी मैंने पत्थर फेंका कहाँ, दरिया में। अब जब आप दरिया में पत्थर फेंकेंगे तो फेंकने में एक मोशन हुआ ना, तो इन नहीं यूज़ होगा, इनटू यूज़ होगा। समझ में आ गया, जैसे द कैट जम्प्ड, क्या यूज़ हुआ, फ्रॉम माई आर्म्स, यानी बिल्ली क्या है, मेरे कंधे से जंप हुई, एंड रैन अवे, और गुजर गई। फ्रॉम क्या होता है, यानी किसी चीज़ से, फ्रॉम एक होता है यानी किसी चीज़ से स्टार्टिंग करना, स्टार्ट एंड शुरुआत करना, फ्रॉम, और टू क्या होता है, कहीं पहुंचने के लिए आता है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं चौथी मिसाल। व्हाट हैव यू गॉट डैश योर हैंड, यानी तुम क्या रखे हो, तो क्या कहेंगे, इन योर हैंड, यानी तुम्हारे हाथ में। आगे है द ब्रेड वॉज कट, आगे क्या है, विथ अ नाइफ। एक चीज़ जहन में रखिएगा, अगर कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट है यानी टूल्स के तौर पे यूज़ होता है तो वो क्या यूज़ करेंगे हम, विद, और कोई चीज़ जरिया है, पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय। तो चाकू के ज़रिए कोई चीज़ काटते हैं तो विथ आएगा, ठीक है। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द ट्री, आगे क्या है, डैश द रूफ ऑफ माई कार, कहते हैं द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द ट्री, यानी बिल्ली क्या है, पेड़ पे बैठी थी, वहाँ से जंप किया, और कहाँ, डैश द रूफ ऑफ माई कार, यानी मेरे कार की जो ऊपर वाली छत है उस पर, क्या है, ऑन टू द रूफ ऑफ, ऑन टू यानी छत पे बैठी, लेकिन बैठने से पहले मोशन पाया गया ना, तो ऑन नहीं आएगा, ऑन टू आएगा, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, कहीं अगर मोशन हुआ तो इन के साथ इन टू, अब मोशन करके बैठ गई तो ऑन के साथ ऑन टू आएगा। सी डैट यू रिटर्न डैश 1 आवर, क्या यूज़ करेंगे, इन 1 आवर, किस कोई कह रहा है कि सी देखो आप वापस हो जाओगे कितने में, 1 घंटे के अंदर। एक होता है इन, इन का मतलब क्या है, 1 घंटे के अंदर अंदर, अगर ऑन होता,
ऑन 1 आवर यानी 1 घंटे के पूरे होते ही हाजिर होना। ठीक है, समझ में आ गया। इनका मतलब थोड़ा गुंजाइश होती है, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर। चलिए आगे है कुछ। द रेलवे वर्कर्स आर डैश स्ट्राइक, तो क्या कहेंगे? ऑन स्ट्राइक, यानी रेलवे वर्कर क्या हैं? हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे हैं। आई लर्न टू ड्राइव, क्या करेंगे? इन 4 वीक, मैंने ड्राइव यानी गाड़ी चलाना सीख लिया 4 हफ्ते में, तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर। इनका मतलब किसी चीज़ के अंदर अंदर। देयर वॉज अ पेडेस्ट्रियन, आगे क्या है? डैश द क्रॉस रोड हु गॉट इंजर्ड, कहते हैं देयर वॉज अ पेडेस्ट्रियन यानी एक कोई पैदल चलने वाला मुसाफिर था। आगे क्या यूज़ करेंगे? डैश क्रॉस द रोड ना, ठीक है। देयर वॉज अ पेडेस्ट्रियन, आगे यूज़ करेंगे एट द क्रॉस रोड, यानी क्रॉस रोड पर एक क्या था? पैदल चलने वाला मुसाफिर था। हु गॉट इंजर्ड, जो कि ज़ख्मी हो गया। अब क्या है, कोई पैदल चलने वाला था, रोड को क्रॉस कर रहा था, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, उसी के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या कहेंगे? एट द क्रॉस रोड कहेंगे। आगे कुछ और देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, देखिए। देयर इज अ कंसिडरेबल प्रॉपर्टी टू शेयर, डैश क्या है? 5 ब्रदर्स, यानी कंसिडरेबल प्रॉपर्टी है टू शेयर, यानी बांटने के लिए डैश 5 ब्रदर्स। मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है बिटवीन, एक होता है क्या? एमोंग। अगर 2 है तो बिटवीन यूज़ होगा, 2 से ज़्यादा है तो एमोंग यूज़ होगा। तो यहाँ 5 लोग हैं तो एमोंग ही यूज़ होगा। आई शैल, ठीक है, आई शैल थैंक डैश हिम डैश द मैटर, ठीक है। आई शैल थैंक थिंक, आई शैल थैंक टू हिम, यानी मैंने उनका शुक्रिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। आई शैल थैंक, थैंक के बाद क्या होता आएगा? टू आएगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अबाउट द मैटर, अबाउट द मैटर यानी इस मामले में, यानी किसी ने किसी की हेल्प की होगी, यानी इस मामले में मैं उसकी मदद करूँगा। आई एग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है। आई एग्री, एग्री के बाद क्या यूज़ करते हैं? टू। आई एग्री टू योर प्रपोजल, आपने जो एक तजवीज़ पेश की, मैं उससे एग्री हूँ, ठीक है। अगर किसी के तजवीज़ कोई चीज़ है उससे एग्री होते हैं तो टू का यूज़ करते हैं, और अगर किसी के साथ एग्री होते हैं तो विद का यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। द ट्रेन हैज़ अनफॉर्चुनेटली मेट डैश एन एक्सीडेंट, यानी मेट विथ एन एक्सीडेंट, यानी बदकिस्मती से ट्रेन क्या हो गया? ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट, यानी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, यानी ट्रेन किसी से टकरा गई, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से लड़ गई। तो क्या करेंगे? मेट विथ एन एक्सीडेंट यूज़ करेंगे। आगे है डिवाइड द एप्पल 4 पार्ट्स, तो क्या कहेंगे? इनटू 4 पार्ट्स, यानी एप्पल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। डिवाइड करते वक्त क्या होगा? मोशन होगा ना, हरकत आएगी, तो इसलिए इनटू आएगा, ठीक है। वी एंटर द टाउन एट नाइट, नाइट से पहले एट, मैंने बताया जगह के लिए भी एट का यूज़ करते हैं, जैसे एट नाइट, एट नून, ठीक है, लेकिन मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। वी एंटर द टाउन एट नाइट, मैं कस्बे में, हम लोग कस्बे में दाखिल हुए कब? रात के टाइम। द गर्ल टुक, ठीक है, नो इंटरेस्ट, क्या है? इन स्टडीज़, यानी इस लड़की को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हैज़ शी रिकवर्ड डैश हर इलनेस, यानी फ्रॉम हर इलनेस,
क्या वो अपनी बीमारी से ठीक हो गई, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे। आगे चलिए कुछ और मिसाल देखते हैं। प्लीज़ सेंड डैश द डॉक्टर, प्लीज़ सेंड फॉर डॉक्टर, यानी किसी की हालत ख़राब है, कहा गया प्लीज़ सेंड फॉर डॉक्टर, यानी डॉक्टर के लिए इसको आगे भेजिए। आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आया किससे, ऑन फूट, यानी पैर से, यानी पैदल चल के। तो फूट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन, यानी ऑन फूट। और अगर कोई ट्रांसपोर्ट है तो क्या कहेंगे, बाय कार, बाय एयर, और क्या यूज़ करते हैं, बाय ट्रेन, बाय स्कूटी, तो इस तरह यूज़ करते हैं बाय, और उसके आगे जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे दा के बगैर, ठीक है। आई कम टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल आया किस लिए, पढ़ने के लिए। द चाइल्ड वाज रन डैश बाय अ कार, द चाइल्ड वाज रन ओवर बाय अ कार, यानी बच्चे को कार ने रौंद दिया। रन ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर चढ़ के चली जाना गाड़ी, ठीक है। आगे चलिए, आगे है दिस रोड लीड्स टू बॉम्बे, यानी एक रोड कहाँ जाता है, बॉम्बे तक जाता है, तो डिस्टिनेशन के लिए टू का यूज़ करते हैं। द बुक इज क्या करेंगे, लेइंग डैश द टेबल, ऑन द टेबल, कोई चीज़ पहले से टेबल पे रखी हुई है, लाई का आई एन जी फॉर्म लेइंग कहेंगे, ठीक है, ऑन द टेबल। और अगर हरकत पाया जाए तो अपान यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे आई थ्रो द बुक अपॉन द टेबल, मैंने किताब को फेंका कहाँ, टेबल पे। फेंकने में क्या हुआ, मोशन पाया गया, हरकत पाया जाए, क्या यूज़ होता है, अपॉन। आई शैल रिटर्न डैश अ वीक, मैं वापस कर दूंगा इन अ वीक, देखिए इन का मतलब क्या होता है, हफ्ते के अंदर अंदर। द फुलिश लायन जंप्ड डैश द वॉल, यानी इनटू द वॉल, यानी बेवकूफ़ शेर क्या है, जंप्ड इनटू द वॉल, यानी क्या कहेंगे, दीवार को कूदा, इनटू द वॉल। अब दीवार कूदने में मोशन होगा तो क्या होगा, इनटू यूज़ होगा। चलिए कुछ और मिसाल लेते हैं। द स्टूडेंट्स डिड नाट पे अटेंशन डैश वाट द टीचर सेड, यानी द स्टूडेंट डिड नाट पे अटेंशन टू, अटेंशन के साथ क्या यूज़ होता है, टू यूज़ होता है, टू प्रीपोजिशन यूज़ होगा, वाट द टीचर सेड डैश द होलीडेज वी प्लेड क्रिकेट एंड डिड अ लॉट ऑफ स्विमिंग, तो क्या कहेंगे, ड्यूरिंग द होलीडेज, यानी छुट्टियों के दौरान हमने क्रिकेट खेला और बहुत ज़्यादा तैराकी भी की। आगे चलिए, आई वॉज इल, मैं बीमार था, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, बताया ना फ्रॉम किसी चीज़ के, स्टार्टिंग फ्रॉम के बाद आखिर में टू आता है, यानी जनवरी से मार्च तक मैं बीमार था। आगे है द बोतल्स फेल डैश द लोरी एंड रोल्ड, आगे क्या है, डैश द हिल, तो क्या यूज़ करेंगे, द बोतल्स फेल ऑफ द लोरी, यानी लोरी जो ट्रक होता है, ट्रक से बोतल गिर गया, अब फेल ऑफ, यानी किसी से गिर करके वहाँ से जुदा हो जाना, तो फेल ऑफ का यूज़ करते हैं। एंड रोल्ड डाउन, यानी लुढ़क करके नीचे आ करके कहाँ, हिल, रोल डाउन द हिल, यानी कहीं ऊपर पहाड़ पे ट्रक या कोई लॉरी थी, गाड़ी थी, चढ़ रही थी, उससे क्या, बोतल गिरा, ठीक है, और फिर रोल्ड डाउन द हिल, फिर जो है गिर करके पहाड़ी से फिर नीचे की तरफ आने लगा, तो रोल्ड डाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने मिला जुला करके 30 क्वेश्चन को देखा, ठीक है, और प्रीपोजिशन की सारी किस्में देखी, सारे काइंड्स देखी। उम्मीद है कि प्रीपोजिशन का कंसेप्ट बहुत अक्सर आप हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो एक मरतबा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है। अगर कोई आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी लिखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं, नए हैं तो चैनल का हिस्सा बन जाएं। इंशाल्लाह अगले क्लास में आपको के साथ नए टॉपिक, जिसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने तैयारी खूब जम के कीजिए, इंशाल्लाह आपका टेट निकल के ही रहेगा, ठीक है।
चलिए आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।